जोहार, मैं सुकुमार सोरेन आज आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं, इसको देख के आपको लगता होगा कि एक शायद कोई रोड होगा या किसी पुरातात्विक जगह होगा जहाँ आदमी लोग आना जाना करता है, ये प्रतीत होता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रोड नहीं, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया वो हवाई अड्डा बनाया गया था जो ढालभूमगढ़ में है। और ढालभूमगढ़ का ये सबसे बड़ा हवाई अड्डा, मैंने करीब यहाँ आधा घंटा घूमा और देखा जहाँ जहाज रखा जाता है, जहाँ हेलीकॉप्टर रखा जाता है, योद्धाओं का जो युद्ध करता होता उनके लिए। इतने बड़े जंगल में पूरा ट्रैक ही ट्रैक है, जो आज अगर बनाने जाए तो लाखों अरबों करोड़ों रुपया खर्चा हो जाएगा, पर इस तरह का नहीं बनाया जा सकता है। इसको बनाने की जरूरत है भारत सरकार को, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को। ये सरकार, तीनों सरकार मिलकर इसको बनाना चाहिए और पूरा देश हित में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन सकता है। ये जिस तरह से बना हुआ है, अगर इसको सही से मरम्मत किया जाए तो ये बहुत अच्छा बनेगा, पर सरकार की ये मानसा ही नहीं है, ये साफ जाहिर होता है। क्योंकि अभी तक वो सिर्फ आदिवासियों के जमीन को लेना चाहता है, अभी भी आउटसाइड के जो जमीन है आदिवासियों के, उन पे फोकस है, ना कि इस रनवे को बनाने का, ना एयरपोर्ट बनाने का। अगर उसका ये मानसा रहता कि एयरपोर्ट बनाना है, तो ये एयरपोर्ट इतना अच्छा जगह में है और इतने बड़े क्षेत्र में ये फैले हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कष्ट नहीं होगी और यहाँ के लोगों को भी कष्ट नहीं होगा। अगर ये सही से बनाया जाए तो यहाँ लोगों को भी लाभ हो सकता है, पर लाभ पहुंचाने की मंशा एकदम ही नहीं है, साफ झलकता है। आप एक बार फिर देख लीजिए, ये एक रनवे है, ये छोटा रनवे है जो मेन रनवे नहीं है, इससे भी बड़े बड़े रनवे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं वो चीज। देखने से अचंभित हो जाएंगे, इतने बड़े बड़े रनवे हैं, पूरी चारों दिशा में ये रनवे बनाया है और बहुत अच्छी तरीका से ब्रिटिश सरकार ने बनाया था और अभी भी है, मजबूत है। हम प्रयास करते हैं कि सरकार हमारे इस वीडियो को देखे और यहाँ आके जाने यहाँ का माहौल क्या है, यहाँ के आदिवासियों के अस्तित्व क्या है। यहाँ से सिर्फ कागजी प्रक्रिया में काम करने से सही निर्णय और सही जानकारी नहीं मिल सकता, इसलिए यहाँ आइए, देखिए, सर्वेक्षण कीजिए, जांच कीजिए और सही काम कीजिए, ना कि आदिवासियों को परेशान करना ही सही काम है। मैं सुकुमार।